सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत आपका आपके परिवार में, आशु जी के ट्रिक में, और स्वागत करने के लिए तैयार आपका हॉस्ट एंड दोस्त विजेंदर सिंह नेवले। साथियों, अपना राजस्थान सॉरी भारत का भूगोल चल रहा है, और भारत के भूगोल में अपन लोग भौतिक प्रदेश है, उसमें उत्पत्ति कब क्यों कैसे, उसके बाद अपन ने हिमालय पर्वत के बारे में जाना, फिर अपन ने दर्रों की चर्चा की, और आज अपन लेके आए हैं आपके लिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश। चार भौतिक प्रदेश हैं भारत में, चार कौन कौन से हैं? एक भौतिक प्रदेश है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसके अपन ने चर्चा की। उसके बाद में आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर भारत के वृत्त मैदान की, विशाल मैदान की, और उत्तर भारत के विशाल के मैदान के बाद में आएगा प्रायद्वीप पठार, और प्रायद्वीप पठार के बाद में प्यारे साथियों आपका आ जाएगा तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शाबाश शाबाश। हाँ, देख रहा हूं मैं आप सभी की रिप्लाई, फटाफट से शेयर कर दीजिए बेटा, वेरी गुड। आ जाओ फटाफट आ जाओ सर, आगे सभी चलें, करें अपन क्लास को शुरू। तो साथियों, करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अपन ने चर्चा की, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उत्तर भारत के विशाल मैदान की आज अपने को चर्चा करनी है। एक मैं छोटी सी बात आपको ये बता दूं, कई साथी बीच में पूछते हैं कुछ, तो चलती क्लास के अंदर क्या है कि फिर वो एक फ्लो नहीं बन पाता। हाँ, समस्या है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या है उसका समाधान कम समय में कर लिया जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान, ध्यान देंगे ये, जैसा कि अपन ने हिमालय पर्वत की चर्चा की, ये अपना नॉर्थ इंडिया है। इसके बाद साथियों इधर से चलें अपन, यहां हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश था इसके अपन ने चर्चा कर ली। अब अपने को मैदानी प्रदेश की बात करनी है, और जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश था उस प्रदेश में अपन ने यहां ये वाले भाग थे इनको कवर किया, ऊपर वाला रह गया। अब आ गया जी मैदान। पहली बात तो ये है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका क्षेत्रफल 7,00,000 वर्ग किलोमीटर है। पूरे इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये इंडिया के क्षेत्रफल में, भारत में पूरे में अगर अपन देखते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये कितने क्षेत्रफल पे है? 7,00,000 वर्ग किलोमीटर पे। हिमालय अपन ने पढ़ा, हिमालय कितने पर था? हिमालय था 5,00,000 वर्ग किलोमीटर पे। बेटा एक प्रश्न आया था, वो मैं यहां स्पष्ट कर ही दूं। प्रश्न आया था कि गुरुजी भारत के अंदर जो पर्वत है वो कितने प्रतिशत पे है? गौर करना, एक पर्वत होता है, उसके बाद में एक पहाड़ होता है, उसके बाद में एक पठार होता है, फिर मैदान। ये भौतिक प्रदेश नहीं है, ये केवल स्थलाकृतियां हैं। तो अपने इंडिया के अंदर पर्वत कितने प्रतिशत भाग पे है? 10.5 पे। पहाड़ कितने पर है? 18.6 पे। पठार कितने पर है? 27.7 पे। और मेरे प्यारे साथियों मैदान कितने पर? 43। अब मैदान है वो इस प्रायद्वीप पठार में भी आई जाएगा, वो भौतिक प्रदेश है, यहां केवल स्थलाकृतियों की बात हो रही है। पर्वत का मतलब जो 2,000 मीटर से ऊंचे हैं वो पर्वत है सारे के सारे। तो ऐसा भाग कितने प्रतिशत पे है? 10.5 पे। पहाड़ का मतलब जो 300 से लेके और 2000 मीटर के बीच में वो पहाड़ है। पहाड़ और पर्वत ये दोनों ऊपर से कैसे होते हैं?
नुकीले होते हैं, ठीक है, इस प्रकार इनकी शेप होती है, जबकि पठार जो होता है वो ऊपर से समतल होता है। पठार है ये 300 मीटर से लेके और 900 मीटर तक के वे भाग जो कैसे हैं, समतल हैं, और उसके बाद में सारा का सारा क्या मैदान है। तो ये अलग से है इकाइयां, ये उच्चावचीय विभिन्नताएं हैं, जबकि अपन यहां क्या पढ़ रहे हैं, ये भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। इस वाले पूरे के पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अब प्यारे साथियों, भारत में इसको जरा आप नोट डाउन कर लेना, पर्वत 10.5 पे, पहाड़ 18.6 पे, पठार 27.7 पे और मैदान कितने प्रतिशत पे, 43% पे, ठीक है। अब साथियों प्रश्न बनेगा अपना कि अपने भारत में ये जो मैदान है ये भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, यानी सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, यही। और विश्व के जितने भी मैदान है उनके अंदर अपना गंगा का मैदान तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है, ठीक है। यानी यहां इंडिया की कुल जनसंख्या, भारत में कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, भारत में कुल जनसंख्या 1 अरब है 21 करोड़ है, 8 लाख है, 54 हजार है, 977, ये भारत की कुल जनसंख्या है। इस जनसंख्या में से 45% जनसंख्या मेरे प्यारे साथियों कहां रहती है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अब मैदान बनता किससे है, तो सुने, मैदान जो बनता है साथियों वो बनता है नदी से। नदियां जो है वो लगातार क्या करती हैं, निक्षेप करती हैं, लगातार क्या करती हैं, जमाव करती हैं। किसका जमाव करती हैं, नदियां मिट्टियों का भी जमाव करती हैं, नदियां साथ के अंदर आपके कुछ कंकड़ पत्थर का भी जमाव करती हैं, नदियां साथ के अंदर कुछ गाद का भी जमाव करती हैं, और इन सभी के परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। अब ये जो नदी निर्मित मैदान है, अपन पहले हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अपन इसके भौतिक जो विशेषताएं उनकी चर्चा करेंगे कि भाभर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, डेल्टा क्या है। पहले अपन इसका प्रादेशिक वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण में प्यारे मित्रों याद रखना आपको कि ये वाला जो भाग है ये तो कहलाता है राजस्थान का मैदान। ये वाला भाग क्या कहलाता है, राजस्थान का मैदान। इस राजस्थान के मैदान के बाद में प्यारे साथियों इस वाले भाग को कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। इस वाले भाग को क्या कहता है, पंजाब हरियाणा का मैदान। अब ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा जो मैदान है ये कहलाता है गंगा का मैदान। कौन सा मैदान, गंगा का। अब गंगा का मैदान है तो इधर भी एक नदी आती है, तो ये मेरे प्यारे साथियों जो कहलाता है इसे कहते हैं अपन ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर इसे कह सकते हैं अपन असम का मैदान। अब प्यारे साथियों एक नंबर पे राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में आपको एक ही बात याद रखनी, क्या ये उत्तर भारत के विशाल मैदान की भाग है। राजस्थान का मैदान कैसी परिस्थितियों वाला है, ये शुष्क परिस्थितियों वाला है। कैसी परिस्थितियां, शुष्क। सात के अंदर शुष्क जब है तो यहां क्या है, यहां मरुस्थल भी है। यहां क्या है, मरुस्थल। अब आप कहेंगे गुरुजी मरुस्थल कौन सा है, तो बेटा यहां पे जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। क्या विश्व में एक ही मरुस्थल है थार का मरुस्थल या और भी मरुस्थल है, तो साथियों सुने, पूरे विश्व में बहुत सारे मरुस्थल है। मैं यहां इस जम्मू कश्मीर में आपके सामने एक विश्व का छोटा सा मैप बना देता हूं। जैसे आप देखें यहां पे अफ्रीका है, यहां पे दक्षिण अमेरिका, यहां पे उत्तर अमेरिका, ये ग्रीनलैंड आ गया, ये आपका यूरोप आ गया प्यारे साथियों, ये आपका इंडिया आ गया, फिर आपका इधर चले ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अंटार्कटिका। पूरे विश्व में बहुत सारे मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों का विस्तार से अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में अलग से वीडियो लेके आए। यहां जो मरुस्थल है ये कौन सा है, थार का मरुस्थल। यहां एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है, जबकि इसे दक्षिण अमेरिका के अंदर, सहारा अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल आता है मित्रों अटाकामा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे ड्राई डेजर्ट है, सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा, अटक अटक के बोलता है अटाकामा सूखा है। जबकि सहारा चाहिए बड़े को, बड़ा बड़ा कौन सा, सहारा है। थार, थार कौन लेके आएगा, जो धनी होगा वो लेके आए, थार हमारे बस में आएगा थार,
जी है लिया लिया तो बहुत बढ़िया बात है। धनी होते यानी सबसे ज्यादा जो धनी मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। सबसे ज्यादा धनी और सर्वाधिक जो बायोडायवर्सिटी है, सर्वाधिक जो जैव विविधता है मेरे प्यारे साथियों, वो भी कौन से मरुस्थल में? थार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो जमाव है प्यारे मित्रों, वो भी कहां पे? इस थार के मरुस्थल के अंदर ही है। और थार का मरुस्थल भारत के जगह पर भौतिक प्रदेश पड़ते हैं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। ये किसका अवशेष माना जाता है मित्रों? ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। और टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है इसीलिए यहां पे खारे पानी की झीलें हैं। अपने भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी चिल्का झील है, लेकिन भाई साहब वो तो तट के ऊपर है, आंतरिक भाग में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। सांभर झील कहां पे? राजस्थान के अंदर है। ये किसका अवशेष है? टेथी सागर का। सांभर झील है, डीडवाना है, कुचामन है, काउद है, काचोर है, लूणकरण सर है, पंचभद्रा है, पता नहीं कितनी झील है। ये सारी के सारी किसके अवशेष है? टेथी सागर के अवशेष है। इस मरुस्थल की विशेष बात क्या है? इस मरुस्थल के अंदर प्यारे मित्रों बालू का स्तूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालू का स्तूप पाया जाता है। किसमें? मरुस्थल के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात थी राजस्थान के मैदान की। अब अपन बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के मैदान की। मित्रों सुनना, पंजाब हरियाणा के मैदान में जिस नदी का योगदान रहा है वो नदी कौन सी है? वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो साथियों यहां से एक प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा गुरु जी? प्रश्न आता है यहां से दोआब का। किसका? दोआब का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अपना, ताकि मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, इरेज कर सकूं, है ना? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? शाबाश, मिटा दूंगे। अरे मिटा दूंगे, लो मिटा दूं, मिटा दू जी। अब देखो बेटे आपने कि इस वाले मरुस्थल में, सॉरी इस वाले मैदान के अंदर, ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है साथियों, गौर करना, इस पंजाब हरियाणा के मैदान में अपन कुछ विशेष प्रश्न बनाने वाले हैं। क्या विशेष प्रश्न बना रहे हैं गुरु जी? देखो वो है ही आपनों। अब यहां एक शब्द आता है पंजाब। पंजाब का मतलब क्या है? पंच का मतलब पांच, आब, आब का मतलब साथियों होता है नदियों के बीच की भूमि, नदियों के बीच की भूमि। और ये नदियों के जो बीच की भूमि होती है इसे क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। आप कहते हैं जब दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगी तो उसे दोआब कह देंगे, जब पांच नदियों के बीच की भूमि हो जाएगी तो उसे क्या कह देंगे? पंजाब कह देंगे। ये पंजाब पाकिस्तान में भी, पंजाब हिंदुस्तान में भी। देखते हैं जरा किस प्रकार से ये वाला आब बना। साथियों गौर करना, अब आपको ध्यान देना है। इधर से एक नदी आती है और इस नदी का नाम प्यारे मित्रों आता है सिंधु नदी। ये मैंने थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ना, ये जो नदी है साथियों सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु के बाद में मित्रों यहां पे एक नदी आती है, इस नदी का नाम आता है झेलम। क्या नाम आता है? झेलम आता है। यहां झेलम नदी ये आ गई। साथियों एक नदी आती है जिसका नाम आता है चिनाब। क्या नाम आता है? चिनाब। ये आ गई जी चिनाब। उसके बाद में मित्रों आगे चले, एक नदी और आती है, इसका नाम आता है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। ये लो जी रावी। ये चिनाब के अंदर मिल गई दोनों। फिर आगे चले, आगे चले तो मित्रों यहां एक नदी आती है जिसका नाम आता है व्यास। ये लो जी व्यास। और व्यास के बाद में मित्रों इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। और ऐसे ये सतलज और व्यास भी आगे जाके चिनाब में, नदियों में अगर विस्तार से पढ़ेंगे अपन, और फिर ये नदियां जाके पाकिस्तान में मिठनकोट में किसमें जाके मिल जाती हैं? अपने सिंधु में जाके। और सिंधु इनका जल कहां ले जाती है? अरब सागर। आप कह रहे हैं गुरु जी क्या बना दिया अंगुली सीख, यही तो है। ध्यान देंगे मित्रों आप, इधर से अपन देख रहे हैं ये कौन सी है, ये जो नदी देख रहे हैं आप सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। ये वाली कौन सी नदी? झेलम नदी। ये वाली कौन सी है? चिनाब नदी। ये वाली कौन सी है? रावी नदी। ये वाली कौन सी है? व्यास नदी। ये वाले मित्रों कौन सी है? ये है सतलज नदी।
अब इन नदियों से अपने को विशेष प्रश्न बनाने हैं। क्या प्रश्न बनेंगे, उससे पहले मित्रों आप क्या करेंगे, नदियों का नाम लिखेंगे। यहां कौन सी नदी है, यहां है सिंधु नदी। ये लो जी सिंधु। ये कौन सी है साथियों, झेलम। ये कौन सी है, चिनाब। ये कौन सी है, रावी। ये कौन सी है, व्यास। और ये वाली नदी कौन सी है, सतलज। इसको मैं मिटा दूं ताकि आराम से अपन लोग बना लेंगे। ध्यान देना मित्रों यहां पे, ये पांच नदियों का क्षेत्र है और ये जो पांच नदियों का क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है पंजाब। यहां पे सिंधु, ये झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अब यहां आपको याद क्या करना है कि उर्जी आब है, प्रमुख प्रमुख दो आब है, दो आब, दो आब है, कितने, पांच। एक आता है प्यारे साथियों सिंधु दोआब। अब सिंधु दोआब तो स्पष्ट हो गया कौन कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा जो दोआब है इसे कहते हैं सिंधु दोआब। अब चिनाब और झेलम, इन दोनों के बीच में जो दोआब है ये है चाज दोआब। मैंने बताया अभी आब का मतलब नदी के बीच का क्षेत्र, चिनाब और रावी इन दोनों के बीच में है रचना दोआब। फिर मेरे प्यारे साथियों रावी और व्यास, इन दोनों के बीच में आता है बारी दोआब। और बारी दोआब के बाद में व्यास और सतलज, इन दोनों के बीच में आता है प्यारे मित्रों विस्त दोआब। अब यहां प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न बन जाए कि सिंधु दोआब किसके बीच में है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है चाज दोआब। ये सुमेलित करने में आएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है ना, चाज दोआब, उसके बाद में रचना दोआब, उसके बाद में बारी दोआब, बारी दोआब के बाद में साथियों विस्त दोआब। अब याद तो कुछ करना ही नहीं है ना, इन दोआब के नाम से याद हो जाएगा, सिंधु दोआब वो तो वैसे याद हो गया, सिंधु व झेलम के बीच में, इसके बाद में चाज दोआब, जैसे चिनाब जैसे झेलम, चिनाब व झेलम के बीच में हो गया बस। रचना रैसे रावी जैसे चिनाब, रावी व चिनाब के बीच में, उसके बाद मित्रों बारी, वैसे व्यास रैसे रावी, व्यास और रावी के बीच में, और वैसे व्यास ऐसे सतलज, ये किसके बीच में, व्यास और सतलज के बीच है। बस अब प्रश्न बना कि अपने इंडिया में कौन से दो दोआब है, भाई सारा तो इंडिया में है नहीं, पाकिस्तान में भी चला गया हिस्सा। तो साथियों याद रखना है भारत में केवल ये दो ही हैं, वर्तमान के अंदर विभाजन के बाद में भारत में ये दो ही दोआब बचे, एक तो बारी दोआब एक विस्त दोआब। ये जो आपका रचना दोआब है ये भी पाकिस्तान के अंदर, चाज दोआब भी पाकिस्तान में, और सिंध दोआब भी कहां पे, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यहां तक तो नदियां किसमें रहती हैं, पहाड़ों में रहती हैं, जैसे ये दोआब बनाएगी मैदान में तो कहां चली जाएगी, पाकिस्तान में चली जाएगी, कहां चली जाएगी, पाकिस्तान। अब नदी के द्वारा मित्रों गौर करना, नदी है उसके द्वारा क्या लाई जाती है, मिट्टी, ठीक साथियों, और इस नदी के द्वारा जल के द्वारा लाई गई इस मिट्टी को साथियों क्या कहा जाता है, जलोढ़। क्या कहा जाता है, जलोढ़। अब जलोढ़ दो टाइप का होता है, अभी विस्तार से और भी चर्चा करेंगे हम, एक होता है पुराना एक होता है नया। नए जलोढ़ को कहते हैं खादर और पुराने जलोढ़ को साथियों कहते हैं बांगर। प्रश्न बना कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बांगर वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे मित्रों धाया। बांगर वाले भाग को क्या कहते हैं, धाया, और खादर वाले भाग को क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, बेट। खादर वाला भाग क्या, बेट, याद रखना, खादर वाला भाग क्या, बेट, जबकि बांगर वाला भाग क्या, धाया, कहां पे, पंजाब वाले क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में प्यारे मित्रों जो छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, छोटे छोटे खड्डे, और इन छोटे छोटे खड्डों को कहा जाता है चो। प्रश्न आ जाए कि चो क्या है, तो अपना उत्तर आएगा चो है ये आपका स्पेशल, इनकी जो अपन कहें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये होशियारपुर जिले में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो चो क्या है, चो यहां पाए जाने वाले खड्डे हैं, छोटे छोटे खड्डे हैं, क्या कहते हैं, चो कहते हैं। खादर क्या है, बेट है, जबकि बांगर क्या है, धाया है।
खादर बांगर क्या है? मिट्टी के प्रकार है। बांगर कैसा है? पुराना है। खादर कैसा है? नया है। अब साथियों यहां अपन और क्या प्रश्न बना सकते हैं? यहां कुछ एक मोटा मोटा डगड़ा, रे डगड़ा डगड़ा जान होने थे सारा देसी आदमी आ डगड़न के बोले भूड़ बोले भूड़, यानी अपन कहें मोटी मिट्टी, यानी मिट्टी का जमाव मोटे मोटे रूप में आ डगड़ साग रे बन के बोले भूड़ बोले भूड़। और इसी क्षेत्र में प्यारे मित्रों नहरी सिस्टम है पूरा। जब नहरी सिस्टम है तो नहर से जब अत्यधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। और नहर से जब अत्यधिक सिंचाई होती है प्यारे साथियों तब भूमि के ऊपर एक नमकीन परत जमा हो जाती है। और उस नमकीन परत को क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं। याद इतना ही रखना है कि इस नमकीन परत को क्या कहा जाता है? रेह या कल्लर कहा जाता है। रेह या कल्लर क्या है? यानी अत्यधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप अपने पंजाब में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, इन क्षेत्रों में एक तो सेम की समस्या बहुत ज्यादा है। एक ये जो नमकीन परत जम जाती है कई बार दीवारों पे देखता है पर खार साग लग जाता है, वैसा ही है ये रेह या कल्लर। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो लवणीय और क्षारीय कण है वो ऊपर आ जाते हैं नमकीन परत, उसे क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है, तो फटाक से बड़ा इस दुआ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, हाँ जी ले लिया, मिटा दूं? अरे मिटा दूं ये, मिटा दे गुरु जी, लो मिटा देना। अब एक बाद में आप बात करो तो पंजाब हरियाणा को मैदान है। अब पंजाब हरियाणा के मैदान में और क्या प्रश्न बनेंगे? इसके बाद अपन चलते हैं गंगा के मैदान की। साथियों ध्यान देना, मानचित्र तो बनानो पड़ेगा, नहीं नहीं थारे नाराज हो जाओगा। देखो गुरु जी समझ लो, बने बेटा जी समझो, अच्छा समझो। अब इस मैदान के बाद में ये वाला जो मैदान है साथी, इस वाले पूरे के पूरे मैदान को क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में एक आता है ऊपरी गंगा का मैदान, एक आता है मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद में साथियों आता है मध्य गंगा का मैदान, और मध्य गंगा के मैदान के बाद में आता है निचली गंगा का मैदान। यहां तीन ही चीजें याद रखनी है। ऊपरी गंगा का मैदान है, इसका विस्तार कहां पे है? यूपी के अंदर है। मध्य गंगा का मैदान, इसका विस्तार कहां है? यूपी प्लस बिहार में। निचली गंगा का मैदान का विस्तार कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, अब ये जो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, गंगा के मैदान का ढाल है भाई, नदी इधर बह रही है तो ढाल भी इधर ही होगा। ये वाली दिशा कौन सी? पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी? पूर्व। अब पश्चिम में अगर पूछ ले तो अपन कहेंगे उत्तर पश्चिम से कौन सा पूर्व? दक्षिण पूर्व, इसका ढाल है। जैसे साथियों में बात करूं यहां पे आता सहारनपुर, सहारनपुर है ये ऊंचा है, इसकी ऊंचाई ठीक है। सहारनपुर के बाद में आगे चलते हैं अपन आगरा, आगरा थोड़ा कम ऊंचा है। इसके बाद में आगे चलते हैं इलाहाबाद, और थोड़ा कम ऊंचा है। इलाहाबाद के बाद में आगे चलते हैं जब कलकत्ता, तो कलकत्ता तो समुद्र जो तट है उस तट से मात्र 6 मीटर ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है ही नहीं। तो जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे इसका ढाल बढ़ता चला जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान यूपी में, इसी यूपी में इस मैदान का जो भाग है प्यारे साथियों अवध का मैदान। सीधा बने कि अवध का मैदान कहां है? उत्तर प्रदेश में। रुहेलखंड का मैदान कहां है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद मध्य जो गंगा का मैदान है ये बाढ़ग्रस्त मैदान है। मध्य गंगा का मैदान कैसा है प्यारे साथियों? बाढ़ग्रस्त। क्यों है बाढ़ग्रस्त? आखिर क्या वजह है कि यहां बाढ़ आ जाती है? यहां एक विशेष नदी आती है, और नदी जो गंगा के सहायक नदी तंत्र में कोसी नदी, और कोसी नदी से बाढ़ आ जाती है साथियों कहां पे? अपने बिहार के अंदर। इसीलिए कोसी को कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। जबकि साथियों पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी, दामोदर नदी के कारण बाढ़ कहां जाती? पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। राजस्थान का शोक किसे कहते हैं साथियों? ये कहते हैं घग्गर नदी को। राजस्थान का शोक कहलाती घग्गर नदी। उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन कि अपने उत्तर प्रदेश में बाढ़ आते नहीं ज्यादा, बिहार का शोक कहलाती कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती दामोदर नदी, और उसके बाद में साथियों उड़ीसा का शोक कहलाती कौन सी नदी? महानदी।
अब आगे बात करें अपन कि यहां बाढ़ आ जाती है, बस इतना याद रखना, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है निचली गंगा के मैदान में आपका पश्चिम बंगाल। यहां यहां जो पानी भरा रहता है स्पेशल, उस पानी भरे रहने वाले भाग को कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। प्रश्न बन गया कि बिल क्या है, तो अपना उत्तर आएगा बिल यहां की निम्न भूमि है जहां पानी का जमाव हो जाता है, जबकि इसी वाले भाग में चर, चर क्या है? ऊपर वाली भूमि जहां पानी का जमाव नहीं रहता। तो ये थी गंगा के मैदान की बातें। तो गंगा का मैदान में क्या याद रखना है? ये सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? चले आगे। हाँ जी चले, चलो सर चलो। तो याद रखना है गंगा में ऊपरी गंगा यूपी, मध्य गंगा यूपी बिहार, निचली गंगा, ऊपरी गंगा में अवध का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, मध्य गंगा में बाढ़ ग्रस्त है नदी यहाँ कोसी है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, निचली गंगा का पश्चिम में पश्चिम बंगाल के अंदर, बिल है निम्न भूमि पानी भरा रहता है, और चर है जहां पानी नहीं भरता। मित्रों अब एक और बच गया इस मैदान के प्रादेशिक विभाजन में, और ये जो है ये है ये वाला भाग। साथियों इस वाले भाग को कहा जाता है कौन सा भाग? ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं जी? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है? एक लंबा लेकिन संकरा मैदान है, यानी इस प्रकार से ये इस प्रकार से लंबा है लेकिन संकरा साक मैदान इस प्रकार फैला हुआ है। तो यहां याद रखना है लंबा एवं संकरा मैदान। साथियों अपने को पता है ब्रह्मपुत्र नदी कहां निकल के आती है? यामचाम डुंग हिमनद से है, यामचाम डुंग हिमनद, वहां पे नाम होता है सांगपो। सांगपो बहते बहते आती है अरुणाचल में दिहांग, दिहांग के बाद में ब्रह्मपुत्र। जब साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहां आती है? असम के अंदर आती है। जैसे ही नदी असम में आती है वैसे ही ऐसे नदी आ रही है, अब नदी यहां आके और ऐसे हो जाती है मित्रों, और ये बीच में मिट्टी का काफी ऊंचा सारा जमाव है, और फिर नदी वापस आगे मिलके और आगे चली जाती है। आगे इधर से आपका गंगा आती है, फिर नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहां क्या बन गया? ये बन गया जी द्वीप। चूंकि द्वीप की परिभाषा में आता है कि ऐसी स्थल राशि जिसके चारों तरफ जल हो उसे द्वीप कहते हैं। चूंकि ये काम कौन कर रही है? नदी कर रही है। नदी जब इस काम को कर रही है तो इस द्वीप को साथियों क्या कहेंगे? नदीय द्वीप कहेंगे। अब ये नदीय द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। है कहां पे माजुली द्वीप? असम के अंदर। कौन से मैदान का हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र के मैदान का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र के मैदान का हिस्सा है। साथियों जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो अपने साथ काफी मिट्टी लाती है, और उस मिट्टी के जमाव से यहां और भी छोटे छोटे कई द्वीप बने हुए हैं, ठीक है? अब एक बात और याद रखनी, इस मिट्टी के जमाव से यहां बाढ़ भी आ जाती है। असम क्षेत्र में बाढ़ के लिए कुख्यात जो नदी है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अब मैं यहां से आपसे प्रश्न पूछूंगा, जैसे अपनी नदी के ऊपर माजुली द्वीप है जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, लेकिन अब एक द्वीप और आने लग गया चर्चा में, अमेजन नदी पे है, उस द्वीप का नाम कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दें, मैं देख लूंगा। शाबाश, अमेजन नदी पे है, इसी से मिलता जुलता एक नाम है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप नदी पर बना हुआ। सामान्य रूप से अगर द्वीप देखें तो सबसे बड़ा कौन सा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, वो सागरीय द्वीप है। ये नदी पे बना हुआ द्वीप है, नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप, ठीक है? तो ये थी बात किसकी? अपने ब्रह्मपुत्र के मैदान की। मिटा दो, ले स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ले होता। चलो साथी अब अपन आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे चले वैसे ही आएगा कि इस मैदान की जो प्रादेशिक विशेषताएं थी, विभाजन था, इसके बाद भौतिक विशेषताएं क्या क्या, देखिए जरा। प्यारे साथियों ध्यान देना, यहां अपने को इतना याद रखना है कि ये हिमालय पढ़ा अपन ने, ठीक, हिमालय में सबसे नीचे एक श्रेणी पड़ी थी शिवालिक, और शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे भाई अब नदियां जैसे ही निकलेंगी, कहां से निकलेंगी नदियां? नदियां जैसे ही निकलेंगे प्यारे मित्रों पहाड़ी क्षेत्र से,
वैसे ही वो कंकड़ पत्थर अपने साथ लाएंगे। क्या लाएंगे अपने साथ? कंकड़ पत्थर। और इन कंकड़ पत्थरों को मेरे साथियों नाम दिया जाता है भाभर। याद रखना है ये क्या है, भाभर। सीधा प्रश्न बनेगा कि भाभर क्या है। भाभर ऐसा प्रदेश है बिल्कुल शिवालिक के जस्ट नीचे, इसे कहा जा सकता है शिवालिक का जलोढ़ पंख। शिवालिक का कौन सा पंख कहा जा सकता है? जलोढ़ पंख। मैं यहां पे लिख दूं भाभर क्या है। भाभर है कंकड़ पत्थर युक्त भूमि, और ये जो कंकड़ पत्थर युक्त भूमि है इसे कहा जाता है शिवालिक का जलोढ़ पंख। क्या बात होती है यहां। अब मैं आपको कहूं कि अपने घर के आगे पत्थर 5-10-20 डाल रखे हैं, और वहां जब पानी डालेंगे तो क्या वो पानी आपको पत्थरों के ऊपर से जाता हुआ दिखाई देगा? नहीं ना, वो पानी नीचे जाएगा, बह तो रहा है, वो गति तो कर रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ही मेरे प्यारे साथियों इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियों के साथ होता है। जब छोटी छोटी नदियों के साथ होता है तो यहां प्रश्न बनेगा कि यहां पर जो नदियां हैं वो क्या हो जाती हैं मित्रों? भूमिगत हो जाती हैं। यहां नदियां क्या हो जाती हैं? भूमिगत हो जाती हैं। और ये कृषि काम के ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। कौन सा? भाभर वाला। अब भाभर से ठीक नीचे, भाभर से ठीक नीचे वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है तराई। यानी भाभर से ठीक नीचे उसके समानांतर फैला हुआ क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? इस क्षेत्र को नाम देते हैं तराई। ये क्रमबद्ध तरीके से, पहले भाभर, भाभर के नीचे क्या है? तराई। तराई से क्या प्रश्न बनेगा सुने। तराई किसे कहते हैं? अथार्ली तराई को ना, गुरुजी लिपाई कर दिया मकाना की कवाद में, देव पानी गिरा बात तराई बा कुन तराई। आ तराई अलग है, फिर ये दलदली क्षेत्र है। फिर मन में प्रश्न बना कि दलदल कैसे बना? गुरु जी सुनिए, यहां नदियां क्या होगी? विलुप्त। अब वो नदियां कहां के प्रकट होंगी? यहां प्रश्न बना कि यहां आके नदियां हैं पुनः क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। जब नदियां पुनः प्रकट यहां होती हैं तो यहां कैसा क्षेत्र बन जाता है? दलदल। जब दलदल बन गया तो यहां क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? मलेरिया होगा ना। इसलिए इस तराई को कहा जाता है भारत में मलेरिया की पेटी, या अपन कहें भारत में मच्छर की पेटी। कौन से क्षेत्र को? तराई। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र। नदियां, ये याद करना है, रीट 2018 में प्रश्न आया सही कि नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं, वो वाला क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। जबकि नदियां भूमिगत हो जाती हैं, तो भूमिगत कहां हो जाती है? भाबर में। पुनः प्रकट कहां होती है? तराई। अब यहां जो पुनः प्रकट होती है, दलदल क्षेत्र, मलेरिया है, मच्छर पेटी है, इसमें पाई जाती प्यारे मित्रों घास। और उस घास में एक तो हाथी घास है और एक कांसा घास है। कांसा घास, ठीक है जी। अब ये नीचे वाला जो क्षेत्र है यहां क्या है? जलोढ़ मिट्टी। कैसे मिट्टी है? जलोढ़। अब जलोढ़ में मेरे प्यारे साथियों दो विकल्प आते हैं। एक तो आता है जलोढ़ के अंदर, भाई यहां मिट्टी तो है, कैसी मिट्टी है? जलोढ़। भाभर के ठीक नीचे क्या था? तराई था। अब जलोढ़ में दो ऑप्शन आए। एक ऑप्शन आएगा कि जलोढ़ जो है वो पुराना है, ठीक बात है। एक विकल्प आएगा जलोढ़ कैसा है? नया है। साथियों जो पुराना जलोढ़ है उसे कहते हैं बांगर, और जो नया जलोढ़ है उसे क्या कहते हैं? खादर। अब मैं याद रहा, पुराना जो जलोढ़ है नदी द्वारा मिट्टी लाई गई बिछा दी गई, तो ये वाला जो भाग है ये अपेक्षाकृत क्या है? ये वाला भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। जबकि मेरे प्यारे साथियों जो नवीन जलोढ़ है ये वाला भाग अपेक्षाकृत क्या है? नीचा है। जब नीचा है तो स्वाभाविक बात है यहां पे पानी आएगा और यहां पे क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। प्रश्न बनेगा कि बाढ़ का मैदान कौन सा है? तो मेरे प्यारे मित्रों बाढ़ का मैदान कहा जाता है खादर। जबकि बाढ़ से मुक्त प्रदेश, यानी जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता जाता, वो कौन सा? बांगर। बांगर है पुराना, बाढ़ मुक्त है, खादर है नया, नीचा बाढ़ युक्त है। अब बांगर भूमि का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी में है। जबकि मेरे प्यारे मित्रों खादर भूमि का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे? बिहार के अंदर है, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है,
एक बांगर है, दूसरा खादर है। बांगर क्या है? ये पुराना जलोढ़, जबकि खादर क्या है? नया जलोढ़। अब साथियों, इसके बाद में नदी जब यहां जाती है बंगाल की खाड़ी में, उससे पहले ये छोटी छोटी से धाराओं में विभक्त हो जाती है। और छोटी छोटी ये जो धाराएं हैं मित्रों, जैसे भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद में बांगर, बांगर के बाद में खादर। अब प्यारे साथियों, खादर के बाद में आता डेल्टा। पहली बात तो ये डेल्टा कहते किसे, समझिए। इधर मैं नहीं मिटाऊंगा इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डेल्टा क्या है ये यहां लिख देता हूं। डेल्टा का मतलब साथियों है कि नदी निर्मित आकृति। नदी कौन सी अवस्था में बनाती है? नदी बिल्कुल जब बुढ़ी हो जाती, नदी से चला नहीं जाता, तो नदी भी बुढ़ी होती, गुरुजी बिल्कुल होती है। नदी की युवा अवस्था में वी आकार की घाटियां, गार्ज, जलप्रपात, पता नहीं क्या क्या बनता, पढ़ेंगे कभी। अब नदी जब वृद्धावस्था में आती, चला नहीं जाता, तो उसकी धाराएं बढ़ जाती और वो सागर में गिरने से पहले इन धाराओं में बटी हुई दिखती और ये मिट्टी का निक्षेप हो जाता है। और ये जो मिट्टी का निक्षेप हो जाता है प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा है इसका सबसे पहले ये पता किसने लगाया? हेरोडोटस ने। कौन सी नदी के बारे में? नील नदी के बारे में। उसके बाद में प्रश्न बना कि सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा ये प्यारे साथियों है सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहां कहां है? भारत और बांग्लादेश में। भारत में इसका पुराना भाग, बांग्लादेश में नया। क्या आज भी ये डेल्टा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा है। आकार की बात करें तो इसका आकार चापाकार या धनुषाकार है। और अगर बात करें ये डेल्टा क्या आज भी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इस डेल्टा का पुराना जो भाग है वो कहां पे? इंडिया में। नया भाग कहां पे? बांग्लादेश में। इंडिया में कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। एक मिसिसिपी मिसौरी नदी भी बनाती है, उस डेल्टे का आकार है पक्षी के पंजे जैसा। तो बर्ड फूट डेल्टा या पक्षी के पंजे जैसे डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी, अमेरिका की नदी में पढ़ेंगे। डेल्टा बनाने को नील नदी भी बनाती है। और सबसे पहले डेल्टा का पता भी कहां लगाया गया था? हेरोडोटस ने नील नदी के बारे में लगाया था। ये अपन ने बात की इस प्रदेश के अंदर भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।